कि हमने बॉडी किट तो इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है, तो उससे इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके टॉप एंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड माइलेज ज़्यादा देती है या कम देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो कि हमें इसके ऊपर टेस्ट करनी है। गाइस सामने खड़ी है हमारे यामाहा R15 वर्जन 2 जो कि 2011 मॉडल है, बट ये कम्प्लीटली जो है ट्रांसफॉर्म मॉडिफाइड हो रखी है, वो हो रखी है R1M में। भाई लुक चेक कर रहे हो एक बार आगे से, बिल्कुल कम्प्लीटली R1M लग रही है बाइक। सो गवर्नमेंट रूल्स को माइंड में रखते हुए हमने वही कलर इसके ऊपर अप्लाई किया है जो हमारी RC के ऊपर मेंशन था। सो मेनली आप देख सकते हो इसका पेंट स्कीम जो है वो कैंडी रेड है, जो कि हमारी RC के ऊपर भी रेड कलर था, तो हमने रेड कलर ही अपनी बाइक करी है। सो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि हाँ मेरा कितना ओवरऑल इसके अंदर खर्चा आया, क्या क्या मैंने पार्ट्स इसके अंदर चेंज किए हैं, एंड क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर स्टॉक लगाए हैं। तो चलिए इस रिव्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बैक पोर्शन से। आप देख सकते हो इसके अंदर जो टेल किट लगाया हुआ है वो पूरा कम्प्लीटली चेंज्ड है, कोई भी स्टॉक टेल किट नहीं है। आप देख सकते हो इसका लुक पूरा R1 इंस्पायर्ड टेल किट है, और ये सिंगल पीस वाला टेल किट है। इसकी आप बोल सकते हैं मजबूती जो स्टॉक टेल किट आती है उससे ज़्यादा है, क्योंकि ये सिंगल पीस में है, और मोस्टली R15 ओनर्स को यही दिक्कत होती है कि उनकी टेल किट जो होती है स्टॉक वाली वो बहुत जल्दी टूटती है। तो आप सबसे पहले जो है इसके अंदर टेल किट जो है वो कम्प्लीटली चेंज करा गया है। बात करते हैं हम बैक पोर्शन की नीचे की। सो इसके अंदर जो हमने टायर डाला है वो 140 सेक्शन का डाला है, 140mm का इसके अंदर हमने टायर डाला है, जो कि मेनली R15 वर्जन 2 में 120 का रिकमेंडेड होता है, बट हमने इसमें 140 का डाला है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो पीछे से थोड़ा ब्रॉडनेस टायर की और लुक जो है वो बल्कि आ रहा है। वहीं इसके साथ हमने स्टॉक का मड गार्ड जो है इसका वो लगा दिया है इसके अंदर। एंड बात करें हम इसके एग्जॉस्ट की, तो इसके अंदर हमने V3 का एग्जॉस्ट लगाया है, जो कि स्टॉक यामाहा का ओरिजिनल एग्जॉस्ट होता है, बट ये V3 का है। सो इसमें देखो ओवरऑल लुक कितना सही दे रहा है इसके साथ। सो आप देख सकते हो अंडरबेली जो कि लॉन्ग अंडरबेली है, वो यहाँ से लेके पूरे रियर टायर तक देख रहे हो, बस थोड़ा सा ही गैप है, इतनी लॉन्ग अंडरबेली है, जो कि लुक जो है ना भाई एक नंबर लुक देती है इसका। और उसी के बाद बात करें हम, तो हमारा जो इंजन गार्ड आप देख सकते हो ये हमारा स्टॉक है, साइड पैनल्स हमारे दोनों स्टॉक हैं, साइड पैनल्स हमने चेंज नहीं करे हैं। साइड के पैनल्स मैंने इसलिए चेंज नहीं करे क्योंकि जब हम R1 वाले साइड पैनल्स लगाते हैं तो हमारा इंजन जो है वो पतला है और वो जगह खाली खाली दिखती है, तो वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। बट इस वाले साइड पैनल्स में जो कि हमारा ये स्टॉक साइड पैनल्स है, तो आप देख सकते हो पूरा गैप भरा हुआ है, इंजन से चिपके हुए हैं, तो बस मेन रीज़न मेरा यही था, मैंने इसलिए साइड पैनल चेंज नहीं करे। बात आती है हमारे फ्रंट लुक की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो इसका पूरा हेड R1 इंस्पायर्ड हेड है, आगे हमने ग्रिल लगाई है, दोनों साइड हमने HJG के मेगा प्रोजेक्टर्स लगाए हैं। बात करें ऊपर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे R6 या ZX10R वाले हमने इंडिकेटर मिरर लगाए हैं दोनों साइड, और फ्रंट मड गार्ड जो है वो हमारा स्टॉक है। मेनली लोग पता है क्या करते हैं, मड गार्ड भी अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, बट मेरे को स्टॉक मड गार्ड, क्योंकि हम अभी टायर चेंज नहीं कर रहे हैं, अगर हम बल्कि टायर 120 सेक्शन का टायर आगे लगाते या 110 सेक्शन का लगाते तब हम मैं मड गार्ड चेंज करता, बट टायर जो है हमारा वो स्टॉक ही है, तो मैंने मड गार्ड चेंज नहीं करा। सो बात करें अब टैंक की, तो टैंक जो है ये सिर्फ कवर है, बहुत से लोग सोचते हैं कि पूरा टैंक लगता है, बट नहीं, ओरिजिनल टैंक आप देख सकते हो इसके नीचे, ये ओरिजिनल टैंक है, उसके ऊपर ये कस्टमाइज R1 इंस्पायर्ड टैंक कवर लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा टैंक ही लगता है, बट ये ओवरऑल जो होता है वो टैंक कवर होता है। सो मेनली ये हमने टैंक कवर लगाया है, बाकी डैशबोर्ड जो आप देख रहे हो ये हेड के साथ आते हैं। मोस्टली किट्स में ये होता है कि डैशबोर्ड जो है वो नहीं होते हैं, बट अब डैशबोर्ड भी लोगों ने बना लिया है, तो किट के साथ हेड के साथ हमें डैशबोर्ड भी मिलता है, जिससे बाइक पूरी स्टॉक लगती है। आप देख सकते हो पूरी स्टॉक लग रही है आगे से, किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ डैशबोर्ड वगैरह या कोई चीज़ मिसिंग हो। ओवरऑल ये लुक आता है हमारा जब हम राइड करते हैं बाइक को,
देन बात करते हैं हम सीट कवर भी आप देख सकते हो, मैंने सिंपली ब्राउन कलर के लगाए हैं, बट बहुत जल्द मैं इसको ब्लैक करने वाला हूँ, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है और उस टाइम ब्लैक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ये मैंने खुद से ही बनाई थी, तो इस वजह से मैंने ब्राउन कलर का मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने ब्राउन ही बना लिया था। सो गाइज, इसमें हमने हजार्ड फ्लैशर भी इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हो आगे से मिरर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और वहीं हम बैक साइड की बात करें तो हमने इसके अंदर LED इंडिकेटर्स लगाए और ये भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो दिन में कितने ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये था। एंड एक चीज़ और है जो कि मैंने इंजन के अंदर रेड लाइट लगाई है, आप देख सकते हो हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा ये रेडनेस आ रही है, ये आप देख सकते हो, तो रात में जो है ना भाई इसका बिल्कुल खूनी लुक आ जाता है, क्योंकि मेनली हमने कैंडी रेड जो है इस पर पेंट किया है एंड रेड LED मैंने इंजन के अंदर लगाई है, तो बहुत ही हल्के जलती है और भाई बाइक के लुक को इतना ज़्यादा एनहेंस करती है ना कि क्या ही बताओ। अब बात करते हैं हम अपनी बाइक की प्राइसिंग की। सो गाइज, अगर हम बात करें अपनी प्राइसिंग की कि हाँ हमें कितना ज़्यादा इसका खर्च हुआ हमको कम्प्लीटली मॉडिफाइड करने में, तो मेरा जो एस्टिमेट मैंने कैलकुलेट किया अपना तो वो बैठा 20,000 में मैंने इस लुक में अपनी बाइक ट्रांसफॉर्म करी है। सेम इसी लुक के लिए मैंने एक बंदे से पूछा था, वो मॉडिफाइड करता है R15 V2, सो उसने मेरे को जो कोटेशन दी थी वो 35,000 की दी थी। सो 35,000 में वो सेम यही लुक में ट्रांसफॉर्म कर रहा था, बट वही चीज़ मैंने 20,000 में खुद से ही कर ली। सो मेरे को माइंड में ये था कि हाँ क्यों ना मैं खुद से करके चेक करूँ कि हाँ ओवरऑल वो जितना मेरे से मतलब डिमांड कर रहा है प्राइसेस की, क्या वो वर्थ है। सो जब मैंने इसको ट्राई किया तो मेरा जो कॉस्ट बैठा वो बैठा 20,000। सो ओवरऑल अगर आप में से कोई भी नियर बाय मुरादाबाद के या फिर आसपास आप इस टाइप में अपनी R15 V2 ट्रांसफॉर्म करवाना चाहते हो सो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो ओवरऑल मैंने आपको इसका जो बजट था वो बता दिया है, 20,000 ये मेरा खुद का था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मार्केट में 30,000 से 35,000 में हो रही है तो आपको ओवरऑल कम में ही होने वाला है। सो अगर आप चाहते हो आपकी R15 V2 को इस टाइप में कन्वर्ट कराना, सो मोस्ट वेलकम, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको सर्विस प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो गाइज ओवरऑल जो मॉडिफिकेशंस का रिव्यू था वो मैंने आपको दे दिया है एंड अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टेस्ट इसके ऊपर अभी ट्राई करने हैं हम लोगों को कि हमने बॉडी किट तो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया तो उससे इंजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके टॉप एंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड माइलेज ज़्यादा देती है या कम देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो कि हमें इसके ऊपर टेस्ट करनी है। सो आप अगर इस वीडियो के थ्रू चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मस्त मस्त वीडियो मस्त मस्त कंटेंट इस बाइक के ऊपर आने वाला है। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी लेनी हो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट अब आने वाले हैं। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।